पर्सनल चीज चाहता तो पर्सनल चीज अच्छा है ना। हाँ। तो जब पर्सनली जब तब आता है जब ज्ञान का चिंतन मंथन होता है। अच्छा, तो मनन चिंतन मंथन होता है तो जवाब आना चाहिए या प्रश्न आना चाहिए? राम वाली आत्मा को मनन चिंतन होता है कि नहीं? बोलो ना। होता है, बड़ी बड़ी बोल रही है। राम वाली आत्मा होता है। अच्छा, तो जो राम वाली आत्मा को मनन चिंतन मंथन होता है तो वो कोई से प्रश्न करता है? नहीं करता। तो ऐसा मनन चिंतन होना ज्यादा अच्छा जो प्रश्नों में समस्या स्वरूप न बने, क्या बने? समाधान स्वरूप बने। कैसा मंथन अच्छा? समाधान स्वरूप मंथन हो, मनन चिंतन मंथन हो, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसा मंथन अगर हो कि समाधान तो निकाल ना पाए और ही दुनिया के सामने समस्याएं खड़ी कर दे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा बोला वैसा बोला, तो ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो ये समस्याएं खड़ी की या समाधान बताया? अरे दुनिया में ऐसे ही समस्याएं बढ़ी हुई है, बड़ी हुई समस्याओं के बीच में और समस्याओं के पहाड़ खड़े कर दो। ये रावण का काम है या राम संप्रदाय का काम है? किसका काम है? रावण का काम। इसलिए बताया है रामायण में कि राम रावण के सर काटते जाते थे और जितने सर काटते थे उतने ही तैयार हो जाते थे। तो सर काटने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कहीं होता है कि किसी का सर काट दो फिर नया सर निकल आए? ऐसे तो होता नहीं। तो अर्थ क्या है इसका? ये प्रश्न कहाँ से पैदा होते हैं? बुद्धि से पैदा। एक प्रश्न काट दिया, एक बुद्धि से मन बुद्धि रूपी जो सर है उसमें से जो प्रश्न निकले वो सब काट दिए, उनका जवाब दे दिया, फिर दूसरे तैयार। सब रावण क्यों हो गए? सब पूछते हैं प्रश्न। बहुत से तो ये प्रश्नोत्तर वाली कैसेट सुनते ही नहीं, वार्तालाप वाली जो कैसेट है वो सुनना ही पसंद नहीं करते। अरे जिनका खून बाप के खून से मिलता जुलता होगा तो खून में विकृति पैदा करेगा है? एक ग्रुप का खून जो बाप के ग्रुप का खून है और बच्चे का भी ग्रुप का वही खून हो तो उसमें वो खून मिलाया जाएगा तो विकृति पैदा होगी है? कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे ही है जिनके संकल्पों रूपी खून बाप के खून के ग्रुप के वर खिलाफ रहा है कहीं न कहीं तो प्रश्न पैदा करेगा, प्रश्नों की जड़ी लगाएगा, प्रश्न चित्त बनेगा, प्रसन्न चित्त नहीं बनेगा। नहीं तो बाप का डायरेक्शन है संगम युग है मौजों का युग, माने प्रसन्न होने का युग है या प्रश्नचित्त होने का युग है? प्रसन्न होने का युग है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो अंदर ही कचरा पड़ा रहने दो। अरे ये तो रावण संप्रदाय बन जाएंगे। अब पैदा हो रहा है अंदर कचरा है तो बाहर निकालो, उसका मनन चिंतन मंथन करके या तो समाधान करो और नहीं तो बाबा के सामने उसका समाधान कर लो। कचरे को अंदर रखने से फायदा नहीं है, हालत खराब कर देगा, ज्ञान में से तोड़ देगा, मौत आ जाएगी। कोई दूसरे का खून अगर चढ़ा दिया जाए दूसरे ग्रुप का तो आदमी मर जाता है जिंदा रहता है? है? एक बूंद खून भी दूसरे ग्रुप का अगर इंजेक्शन से किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो ये भी नहीं करना है कि अंदर प्रश्न आते रहें और हम उसको दबाते रहें।
पेट में अगर कचरा भर जाए, भरता ही रहे भरता ही रहे भरता ही रहे, बाहर ना निकाले तो मरेगा ना, गैस पैदा हो जाएगी ना, वो गैस से ही आदमी मर जाएगा। अच्छा बाबा, संगठन में जो आते हैं जो नहीं आते हैं इसके लिए है? विस्तार बताया जाए। विस्तार में क्या बताया जाए? यूनिटी में वो ही आएंगे जो प्योरिटी को मेंटेन करने वाले होंगे। प्योरिटी को मेंटेन नहीं करते हैं तो वो यूनिटी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? क्या करेंगे? बिगाड़ेंगे। वो कहेंगे हम तो अच्छा सातवें दिन आते रहेंगे। मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग ज्यादातर जामा मस्जिद में जुमा जुमा जाते हैं जो रोज जाते हैं। ज्यादातर मुसलमान ऐसे ही होंगे, ज्यादातर क्रिश्चियन ऐसे ही होंगे, संडे संडे को गिरजाघर में जाएंगे। और हिंदू हिंदू रोज मंदिर में जाते हैं। तो कन्वर्शन हुए होंगे, कन्वर्ट हुए होंगे तो उनकी बुद्धि में ऐसे ख्याल आता आएंगे कि रोज रोज जाने की क्या दरकार है। अरे संगठन में भी ताकत होती है, शास्त्रों में भी लिखा है संघो शक्ति कलौ युगे। संगठन में कलयुग में ही शक्ति होती है, दूसरे युग में संगठन की इतनी शक्ति काम नहीं करती है। तो बाबा का परिवार है उसमें संगठन मेंटेन करने के लिए हमको संगठन अटेंड करना चाहिए। नहीं करते हैं इसका मतलब लौकिक परिवार से ज्यादा प्यार है। वो अटेंड करेंगे लेकिन अलौकिक ब्राह्मण परिवार को अटेंड नहीं करेंगे। मरते हो तो मरते रहो, बर्बाद होते हो तो होते रहो, हो जाओ। कल होते हो तो आज कब बर्बाद हो जाओ। हाँ शिवरात्रि 12 बजे आते हैं क्यों रात्रि? शिव भगवान का नाम है। शिव किसका नाम है? भगवान का नाम है। भगवान सब आत्माओं के मुकाबले बड़ा है छोटा है? सबसे बड़ा है माने सबका बाप कौन है? हाँ भगवान बाप। तो जो बाप है बच्चों का शिष्य रूपी मकान पूरा ही पुराना हो जाएगा तब आएगा या अभी अभी बनाया है और थोड़ा थोड़ा पुराना होना शुरू हो गया 10-20% तो बुलाने से आ जाएगा? नया मकान बनाएगा बाप? है बाप के जब सब बच्चे दुखी होंगे तो बाप को आना जरूरी है। तो जब तक उजाला है तब तक भगवान को आने की दरकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान का उजाला है कुछ न कुछ। जब सब धर्मों में ज्ञान का अंधेरा फैल जाता है तब ही भगवान को आने की जरूरत है। घोर अंधकार में आने की जरूरत है। आना माना प्रत्यक्ष होना। अभी दुनिया में घोर अंधकार फैला या नहीं फैला? फैल गया। ऐसे ज्यादा नहीं होगा अंधकार? हाँ होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब अभी भी घोर अंधकार नहीं आया है। सबसे बड़ा अंधकार तो तब कहें जब भगवान के बच्चे भी अंधे हो जाएं। क्या भगवान के बच्चे जो भी पृथ्वीवासी हैं उन सब को अंधकार सुर ले जा करके कौन कौन राक्षस है वो? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी को जब गड्ढे में ले जाए पाताल में, एक भी मनुष्य ऐसा न बचे जिसकी बुद्धि में गड्ढा न याद रहता हो।
साहब की बुद्धि में कौड़िया याद आए, गड्ढा याद आए, 24 घंटे सिर्फ एक काशी नगरी छिटक जाती है। क्या, कौन सी नगरी छिटक जाती है? काशी नगरी पाताल लोक में जाने से पहले ही छिटक के ऊपर चली गई। छोटे बेटा के शादी करे के और गीता पास वाला में एक महीना के बाद में शादी करे के बेटा को और गीता पास वाला थे बाबा एकदम दुखी हो गया, क्या करेगा? अरे अरे वो हिंदी जानने वाला साफ साफ बोले जरा, क्या बोल रही माता? माता कह रही उसका बेटा था ना, उसका शादी हो गया, हो गया तो अब गीता पाठशाला उठ गया ना शादी होने, जिस घर में शादी होगा और वही घर में बेटी का तो गीता पाठशाला नहीं चलेगा ना। बेटा घर में रहता है या बाहर रहता है? घर में रहता है। घर में ही रहता है तो गीता पाठशाला खत्म, तो बहुत दुखी है माता जी। तो अब दुखी होने से क्या बात होती है, जो बाबा के डायरेक्शन है वो फॉलो करो, नष्ट हो बाबा बन के। बाबा का ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि नहीं? ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपने जीवन में? अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया कि नहीं? गेट आउट, तुम घर के अंदर रहोगे, घर के अंदर कचरा फैलाते रहोगे, विषय बेकार फैलाते रहोगे तो ये तो नरक बन जाएगा, स्वर्ग कहाँ बनेगा? चार साल के बीच में गीता पाठशाला हो गया, अहिले शादी कर के छोरा को बेटा के छोरा बेटा ले शादी करके अनि शादी करके गीता पाठशाला ले आएगा, गीता पाठशाला उठेगा। चार साल उसके घर में गीता पाठशाला चला माता जी के घर में। हाँ, और बेटा ने शादी कब की? बेटा ने शादी एक महीना हुई नहीं, दो महीना हो गया, दो महीने पहले शादी कर ली। दो फिर चार साल गीता पाठशाला चला माता जी के घर में। हाँ? उसके बाद बेटा ने शादी कर ली, उसके बाद बेटा ने शादी कर ली, दो महीना हो गया शादी कर ली। हाँ, तो दो महीने से गीता पाठशाला कैंसिल हो गया। हाँ? और बाबा अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? गीता पाठशाला उठेगा तो दुखी भाई। हाँ? क्या करेगा बाबा? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अरे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? फॉलो फादर, बच्चे ने स्वीकार नहीं किया कि मैं ज्ञान में चलूंगा, मुझे स्वर्ग में तुम्हारी जाने वाली जिंदगी पसंद नहीं, मुझे तो नरक ही अच्छा लगता है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कर दिया है? जाओ अपनी नरक की दुनिया बाहर बसाओ जाके, हमें तो स्वर्ग की दुनिया में जाना है, निकाल दिया। तो हम भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, बाप को फॉलो करना कि नहीं करना? अगर फॉलो करते हैं तो ब्राह्मण है, फॉलो नहीं करते हैं तो क्या है? जो शूद्र थे वो ही शूद्र रहेंगे बाबा। लेकिन सुरंग में एक समस्या हो गई ना, क्योंकि वो रूपमणि भाई है और वो तो मेरे दमक में, और कमला माता बिल्कुल बस्ती में रहती है, एक खेम कुमारी माता है जहाँ पे गीता पाठशाला कर रहे, सारे भाई बहन वही क्लास कर रहे हैं, उनकी समस्या का सॉल्व भी तो होना फिर। क्या है खेम कुमारी माता? वो तो गीता पाठशाला में। अभी यहाँ खेम कुमारी माता बैठी है कि नहीं? माता जो माता जी क्वेश्चन कर रही है गीता पाठशाला एक कोई रहेगी वहाँ पर? अच्छा, तो अभी जो पांच जने क्लास कर रहे हैं एक बिंजू माता है जो गीता पाठशाला नहीं है, ऐसे अपने घर में है ना, तो घर में क्लास कर रहे हैं वो लोग। उनका पति नहीं है? नहीं, उनका तो युगल नहीं है ना, शरीर छोड़ दिया। और उस माता की उम्र कितनी है? वो बिंजू माता ठाकुर जी और ये बिंजू माता है, तो इनकी माँ भी है। आप भी मतलब जुड़ रहे हैं वो घर में माँ भी है? अच्छा, ये माँ बेटी है। माँ बेटी है, और घर में कौन है? और कोई नहीं, इनका छोटा सा है, छोटा बच्चा है, पति नहीं है दोनों। और माता जी की उम्र क्या है? पाँच साल का है। माता जी की उम्र है? आपकी माता उम्र कितना है? आपकी 25 साल और माता की उम्र 54 साल,
क्या माता अगर साथ में है लगातार तो नहीं चला सकती है। हाँ शक्ति भवन हाँ कन्या माता जाके इकट्ठी हो भाई लोग भाई लोग अपने भाई लोग इकट्ठे हो पांडव भवन बना लो है दूर पड़ता है कितने पाँच पाँच हाँ तो बहुत अच्छी बात फिर क्या तुम्हारी हाँ। माता का क्या होगा जो बेटा तो शादी करके वो तो माता आपने से पूछा मुझे क्या करना है माता जी आप सामने से पूछेंगे आप क्यों आप उन्होंने पूछ लिया ना आप जो ऐसा करना चाहेंगे करेंगे हाँ कहा हाँ तो नरक बनेगा स्वर्ग बनेगा है तो फिर बनाने वाला टीचर जो टीचर है वो टीचर शूद्र है या ब्राह्मण है हैं खुद स्वर्ग में जा रहा है और बच्चे घर में ही नरक में गोते खा रहे हैं तो नरक बन रहा है या स्वर्ग बन रहा है फिर बाबा अकेले तो सुन सकते हैं ना अकेले तो सुन सकते हैं ना अकेले हाँ वो जो अभी खेमकुआरी माता के जो घर वाले तो सुन सकते हैं घर वाले वो भले सुने लेकिन जो असर पड़ेगा वही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए एक लक्ष्य दिया गया है गीता पाठशाला में क्या लक्ष्य दिया गया है नर से नारायण बनना है नारी से लक्ष्मी बनना है माने हमारा घर गृहस्थ आश्रम जो है गीता पाठशाला जो है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ऐसे समझ के जो चलते हैं उनकी गीता पाठशाला पक्की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही गंध करते रहे और कराते रहे तो उसको भी स्वयं उसको भी वहाँ बीसीडी देखने का उतना वो क्या प्रभाव पड़ेगा उसको प्रभाव क्या पड़ेगा जैसा संग वैसा रंग शंकर को अर्त नारी क्यों दिखाया अभी अभी वर्तमान में जगदम्बा तो दिखाई नहीं पड़ती दिखाई पड़ रही है जगदम्बा जगत पिता के साथ दिखाई पड़ रही है आपको देखने में आई अरे हाँ ना तो करो कुछ नहीं देखने में आई तो जगदम्बा तो देखने में नहीं आती लेकिन बिना अम्बा के ऑल इंडिया में इतने बच्चे जो इनकी पालना हो रही है क्लास कर रहे हैं चल रहे हैं ये बिना माता के संभव है संभव है अरे हाँ ना तो करो बिना माता के परिवार के बच्चों की पालना संभव है नहीं संभव है तो कृष्ण की आत्मा जो माँ का पार्ट बजाने वाली है वो अर्धनारी शरीर के रूप में प्रवेश करके चंद्रमा के रूप में माता का भी पार्ट बजाती है वो पिता है और वो माता है इसलिए अर्धनारी शरीर का रूप दिखाया जाता है और बाबा कृष्ण का सावरा रूप क्यों दिखाया गया है कृष्ण का कैसा रूप संगम युग में कृष्ण वाली कोई आत्मा है या नहीं है है और वो आत्मा कोई तन में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है या नहीं पढ़ती है पढ़ती है पढ़ाई भी पढ़ती है और पढ़ाई पढ़ करके संपूर्ण बनेगी या नहीं बनेगी बनेगी तो जब तक संपूर्ण ना बने तब तक वो काली है या गोरी है तो काला रूप दिखाया जाता है तो क्या खराब बात सच्ची बात दिखाई गई काले रूप की पूजा होती है या गोरे रूप की पूजा ज्यादा होती है गोरे की नहीं पूजा होती झूठ बोलते काली की पूजा वो एक स्त्री चोले की बात अलग यहाँ तो कृष्ण की बात हो रही है तो कृष्ण वाली आत्मा जो है
उसका गोरा रूप ज्यादा पूजा जाता है या काला रूप पूजा जाता है? और जो गायन है नाम, वो सांवरा गायन है या सुंदर ज्यादा गायन है? पहले किसका नाम है? तो फिर जो पुरुषार्थी जीवन है उसी का गायन है। और शिव शंकर में अंतर इसीलिए दिखाया कि शिव सदा शिव कहा जाता है, शंकर थोड़े ही सदा शंकर कहा जाता है। जो शंकर है वो सदैव ही शंकर है क्या? सदैव ही देवता है क्या? शिव तो सदा शिव है, वो तो सदैव ही शिव, शिव माने कल्याणकारी है। शंकर के शब्द के आगे, नाम के आगे सदा शंकर क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि वो सदैव देवता नहीं है, कभी देवता भी है और कभी कभी हिंसा करने वाला असुर भी बनता है। असुरों के साथ क्या बनना पड़े? असुर बनना पड़े। द्वापर कलयुग है असुरों की दुनिया, तो विदेशियों से असुरों से टकराने के लिए उसको भी हिंसा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। और काली को चावल क्यों दिखाया है? काली को चावल हाँ। काली को काली को चार हाथ दिखाया होता है। काली जो है वो चार हाथ नहीं दिखाए जाते हैं, अनेक हाथ दिखाए जाते हैं। आपने देखा चार हाथ वाली काली? हैं? दुर्गा हो सकती है, आठ हाथ हो सकते हैं, चार हाथ हो सकते हैं, लेकिन महाकाली को ढेर की ढेर भुजाएं होती हैं। और अभी देखेंगे कि महाकाली अकेली पार्ट नहीं बजाएगी, ढेर की ढेर उसकी सहयोगी शक्तियां निकलेंगी। क्या? जो ढेर के ढेर असुरों को मार देंगी। जो असुर अभी विकारी वृत्तियां नहीं छोड़ रहे हैं उन असुरों को क्या करेंगी? वो महाकाली और उसकी भुजाएं क्या ज्ञान में से तोड़ ताड़ के अलग कर देंगे। ब्रह्मा कुमारियां इतनी बड़ी ग्लानी नहीं सुना पा रही हैं अभी, जितनी बड़ी ग्लानी ब्रह्मा कुमारियों की भी कोई अम्मा है। कौन? जो महाकाली का रूप धारण करती है, भयंकर ग्लानी फैलेगी चारों तरफ दुनिया में। तब वो आखिरी अवतार संसार में प्रत्यक्ष होगा, जिसका नाम है, आखिरी अवतार का क्या नाम है? कलंकी अवतार, कलंकी धर अवतार। जैसे नाम है गंगाधर, किसको धारण कर लिया? गंगा को। ऐसे ही कलंकों को धारण कर लिया। जब वो जीव लपलपाती हुई बोल 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 करके छाती के ऊपर पांव रख देती है तो शंकर जी बोलते हैं क्या? है? कुछ विरोध करते हैं? नहीं। माने उसने जो कुछ बोला सब धारण कर लिया कि ना? हाँ भैया ठीक है। एक परिवार होगा ना? साढ़े चार लाख का एकदम परिवार बन जाएगा। एक परिवार होगा। अरे साढ़े चार लाख का एकदम परिवार बन जाएगा? साढ़े चार लाख का परिवार एकदम बन जाएगा या पहले छोटा रूप होगा? कितना छोटा रूप होगा? जो संपन्न स्टेज वाले होंगे उन्हीं का रूप होगा। ऐसा पारिवारिक इकाई होगी जिनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने वाली आत्माएं और दुनिया में कोई नहीं होंगी। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। एक भी श्रीमत के पॉइंट का उल्लंघन करने वाला, एक भी उस परिवार का
बंदा नहीं होगा। हाँ और एक ही खाना होगा ना, एक ही खाना होगा, एक ही कपड़ा होगा और एक ही खाना एक ही कपड़ा होगा और सत्य से भी ज्यादा सुख मिलेगा बोला था। संगम को ज्यादा सुख देने वाला है या सत्य को ज्यादा सुख देने वाला है? क्यों संगम मैंने आत्मा और परमात्मा का मिलन इसलिए। अच्छा चलो, तो ज्यादा सुख कैसे होता है? अभी आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ज्यादा सुख मिल रहा है? रोती तो नहीं है घर में कभी? रोती है, कभी कभी रोती है। कभी कभी तो ज्यादा सुख कहाँ हुआ? सत्य में तो कभी रोते ही नहीं। चलो टाइम हो गया, भागा भूगी हो नहीं लगी। जो स्वस्थिति में स्थित होगा और स्वस्थिति में स्थित होकर के अपने 84 के चक्र में अपनी आत्मा के पार्ट को देखने का अभ्यास करेगा वो सुदर्शन चक्रधारी हुआ। अगर 84 जन्म लेने वाली आत्मा है ही नहीं तो उसे 84 के चक्र का अनुभव होगा नहीं होगा? तेसठ जन्म में जिसने ज्यादा भक्ति की होगी और आदिकाल से ही भक्ति मार्ग में सतो प्रधान भक्ति की होगी उसी का चक्र घूमेगा। जिसने 83 जन्म लिए होंगे उसका चक्र उतना नहीं घूमेगा। 84 जन्म लिए होंगे तो चक्र अखंड और कम जन्म लिए तो चक्र खंडित। तो जितना जितना जिसका चक्र खंडित है, मान लो कोई आत्मा ने षष्ठ चक्र के 84 जन्मों में से 21 जन्म लिए ही नहीं, सिर्फ 63 जन्म ही लिए द्वापर से, तो उसका चक्र पूरा ही खंडित हो गया। आधा चक्र खंडित हुआ या नहीं हुआ? आधा चक्र ही खंडित हो गया तो वो जीवन मुक्ति में नहीं आ सकती। हाँ, सृष्टि के आदि में त्रिमूर्ति का रचना आदिशक्ति माता किया। आदिशक्ति कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचना वाली कौन? आदिशक्ति कौन है? त्रिमूर्ति उनको भी रचना वाली। जिसे हम आदिशक्ति कहें वो आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप है या नहीं है? है? आत्मा को शक्ति स्वरूप कहें या नहीं कहें? है? कहें? तो शिव आत्मा जो है वो स्वयं ही आदि शक्ति है। अगर कहें कि वो पहले पहले प्रवेश करती है जगत पिता और जगदम्बा में, तो जगदम्बा में प्रवेश करके मुख के द्वारा बोला, ब्रह्मा के साक्षात्कारों का वर्णन किया, तो आदि शक्ति तो है। लेकिन मुख की शक्ति है, बोल बोल की शक्ति है, सुनने और सुनाने की शक्ति है या परिवर्तन करने की भी शक्ति है? हाँ,
हाँ, अभी तक भी यज्ञ के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हैं? दिखाई देता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि से ही लेकर जिस शक्ति के द्वारा पहला पहला ब्राह्मण पैदा हुआ, कौन? प्रजापिता। वो शक्ति भी अधूरी शक्ति है, उसे बोल बोल करने वाली, सुनने सुनाने वाली शक्ति कहेंगे। संपूर्ण शक्ति अभी भी गुप्त है। जिस गुप्त शक्ति को आवाहन करने के लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिया, उस शक्ति का आवाहन करो जो परिवर्तन शक्ति है। तो वो परिवर्तन शक्ति जब आकर के पवित्रता की पावर से परिवर्तन करेगी, तब यथार्थ शक्ति कही जाएगी। उसको फिर कहेंगे आदि शक्ति। हाँ, क्राइस्ट और कृष्ण को एक राशि, क्र दोनों के नाम के आदि में क्र शब्द आया। ये क्र शब्द जो है उससे राशि मिल गई। जो क्राइस्ट की राशि वही कृष्ण की राशि। जितने भी दूसरे दूसरे धर्म पिता हैं या धर्म के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने सबने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो नहीं किया। कृष्ण को तो क्राइस्ट ने और क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स, क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस ने फॉलो किया। लेकिन संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हुए, उन ब्राह्मणों को सारी दुनिया ने फॉलो किया। कोई ने कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स को फॉलो किया, उनको कहा गया क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स। कोई ने राम को फॉलो किया और राम के फॉलोअर्स को फॉलो किया, उनके धर्म में फाउंडेशन भक्ति मार्ग के आदि से ही पड़ गया राम अल्लाह। स्पेशल महीना भी मनाते हैं रामदान। उनकी जान कौन है? कृष्ण जान नहीं है, राम जान। जैसे हिंदुओं में कहते हैं शिव शंकर भगवान का रूप है, ऐसे ही मुसलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर। अल्लाह के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? सिर्फ अकबर का नाम जुड़ा हुआ है। रमजान में रात को खाते हैं, रमजान में रात को खाते हैं। हाँ हाँ जी, अज्ञान की रात में ही भोगेंगे कि ज्ञान के दिन में कोई भोगा भोगी करता है? ज्ञान दिन है सत्युग त्रेता। सत्युग त्रेता में देवताएं भोग भोगते हैं? नहीं भोगते। जो मुसलमान होते हैं, बीविचारी होते हैं, वो कब भोगते हैं? रात में भोगेंगे। आपको अजूबा लगता है क्या? नहीं ना। कन्याकुमारी वैष्णवी पार्वती है, कन्याकुमारी वैष्णवी पार्वती है, वो अनुसुईया योगिनी है। अनुसुईया योगिनी है। हाँ, कन्याकुमारी कौन है? अनुसुईया है कि
वैष्णवी पार्वती। ऐसा है जो पुरुषार्थी जीवन है वो पुरुषार्थी जीवन ब्रह्मा का है या विष्णु का है? दोनों कैसे? विष्णु जब विष्णु बन जाएगा तो पुरुषार्थी रहेगा, पुरुषार्थ करेगा, याद करेगा, सेवा करेगा, देवगणों की धारणा करने का पुरुषार्थ करेगा नहीं? तो जो वैष्णवी देवी है वो तो ऐसा ब्रह्मा है जो एडवांस ज्ञान में आने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। इसलिए आपका प्रश्न एक बार फिर दोहराना। हाँ, इसलिए जो वैष्णवी है उसके तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं, पवित्रता की। संगम युग में उसकी बनी बनाई बन रही, 63 जन्म उसने जो प्योरिटी का वो फॉलो किया है, पवित्रता को फॉलो किया है, वो संगम में पवित्रता का आनंद भोगती रहती है। उसको एडवांस ज्ञान लेने की भी दरकार नहीं। गंदे कपड़े को पानी की जरूरत है या जो स्वच्छ कपड़ा है उसको पानी की जरूरत है? गंदे कपड़े को पानी की जरूरत। तो एडवांस ज्ञान में जो ज्ञान का विस्तार है वो ज्ञान का विस्तार रुद्रमाला की आत्माओं के लिए जरूरी है जिन्होंने पुरुष जन्म ज्यादा लिए हैं, पुरुषों में राजाओं के जन्म ज्यादा लिए हैं। राजाएं ज्यादा पाप करते हैं कि रानियां? तो वो चाहे अनुसैया ही क्यों ना हो, जन्म तो ज्यादा पुरुष रूप में हुए ना। द्वापर कलयुग में भी पुरुष रूप में ज्यादा जन्म हुए ना। सतयुग त्रेता में तो आधा जन्म स्त्री का, आधा जन्म पुरुष का। वहां तो विसंगति होती नहीं। तो इसलिए जो अनुसुईया वाली आत्मा है वो ही पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ के आधार पर पवित्रता धारण कर लेती है। ज्ञान से ही बाप की पहचान होती है और बाप की पहचान से मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र बनती है। तो ये पुरुषार्थ रुद्रमाला के मण का अनुसुईया ने किया होगा या वैष्णवी कर रही है? अनुसुईया कर रही है। गायन नहीं है तो आपने सुना कहाँ से शास्त्रों में? ये गायन नहीं है कि तीनों देवियां जाकर के उनकी चिरौरी कर रही है? लक्ष्मी नारायण के हिसाब से महिमा नहीं है। नारायण के हिसाब से तुम बच्चों का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। और रुद्रमाला के मन के जितने भी हैं वो सब क्या हैं? नर हैं, नर हैं ना। तो जो भी नर हैं वो क्या बनेंगे? नारायण जैसा तो बनेंगे। लक्ष्मी आधीन बनेगी या नारायण जैसा स्वाधीन बनेगी? है तो फिर रुद्रमाला के मण के रचयिता की कोटि के हैं और विजयमाला के मण के रचना की कोटि के हैं। मंदिर क्यों नहीं बनते? अरे अष्टदेव की तुमने मंदिर ही नहीं देखे? वाह, तुमने सुना ही नहीं अष्टदेव की मंदिर? रहते तो दक्षिण भारत में हो, है नवग्रहों की उत्तर भारत में भी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में तो मंदिर भी बनते हैं, उनकी पूजा भी होती है, है? कुबेर किसका नाम है? अरे नारायण को इस समय धन कौन दे रहा है?
धन प्योरिटी से आता है कि इम्प्योरिटी से आता है? काहे से आता है? देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसलिए तिरुपति के मंदिर में भी गायन है। कुबेर ने लोन दिया, ये नारायण जो बनने वाली आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो क्या है? पुरुष है कि स्त्री है? हाँ, तुम्हारी कौन सी दृष्टि है? ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। पुरुष चोला जो दिखाया, जो दिखाया है, जो दिखाया है वो ज्ञान के आधार पर दिखाया है कि अज्ञान के आधार पर दिखाया है? अज्ञानियों की दृष्टि और ज्ञानियों की दृष्टि में क्या फर्क है? ज्ञानियों की दृष्टि क्या देखेगी? आत्मा को देखेगी। आत्मा पुरुष के संस्कार वाली है या आधीन होने वाली स्त्री के संस्कार वाली है? तो जो कुबेर दिखाया गया है वो कुबेर के लिए तो गायन है तिरुपति में, कि तिरुपति में जितना भी धन आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? तिरुपति को नहीं मिलता है, कहाँ चला जाता है? कहते हैं कुबेर ने उनको लोन दिया था, वो लोन में सारा चुकाया जा रहा है। तो अभी वो आत्मा प्योरिटी का लोन दे रही है किसको? नारायण बनने वाली आत्मा को। नहीं तो इतना बड़ा परिवार की पालना नहीं होने वाली। ये पुरुष जो दुर्योधन दुशासन होते हैं, आज की दुनिया में जिनको 6-8 बच्चे पैदा हो जाएं, पत्नी मर जाए या कहीं चली जाए दूसरे के घर में, तो दूसरी शादी करनी पड़ती है कि नहीं? चला लेगा परिवार है? अरे उठा के पटक देगा, हमसे नहीं गुआ चीटी साफ होता। ये माता में ही गुण होता है परिवार की पालना करने का। ये रुद्रमाला के मणके आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई होते हुए भी संगम युग में स्त्री पुरुष के रूप में पार्ट बजाते हैं। ये रंगमंच है। और बाद में बोलते हैं संगम युग उसमें है। संगम युग सत्ययुग त्रेता का नहीं है क्या? तो रीजन यही है कि आधा हिस्सा उधर से और आधा हिस्सा इधर से। इधर से माने कलयुग से, 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के। कोई तो आत्मा होगी जिसके लिए आधा समय नरक का गिना गया और आधा समय स्वर्ग का गिना गया। कौन सी आत्मा है? प्रजापिता नहीं, प्रजापिता की पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, ब्रह्मा अर्थात कृष्ण वाली आत्मा के लिए 87 तक का 50 वर्ष गाया हुआ है शास्त्रों में। ब्रह्मा की आयु नरक में पूरी हो जाती है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है। ब्रह्मा विकारी है या निर्विकारी है? विकारी। ये विकारी नरक में होते हैं या स्वर्ग में? नरक में। तो 87 का जो टाइम है वो 50 वर्ष पूरा होता है, वो कलयुग पूरा हुआ। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है, मुरली में बोला। तो 100 वर्ष आयु ब्रह्मा की पूरी हुई मृत्युलोक में,
तो फिर बाद में कौन सा लोक शुरू होगा उसके लिए? पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में आराम से बैठा हुआ कौन सा युग शुरू हुआ? स्वर्ग शुरू हुआ। वो 50 वर्ष का स्वर्ग है। तो दोनों मिलाकर के ये संगम युग है। और बाद में रामायण को प्रैक्टिकल में होती है कहते हैं बाहर वाले, पहले लिखने के बाद प्रैक्टिकल में रामायण होती है तो बाद में ही लिखता है। तो अकेले रामायण की क्या बात है, सारे ही शास्त्र पहले लिखे गए द्वापर में, द्वापर में लिखे गए, कलयुग अंत तक पढ़े गए, सुने गए, और फिर संगम युग में प्रैक्टिकल होता है। तो अकेली रामायण की बात थोड़ा ही है, सभी शास्त्रों की बात है यही। तो समझाने का काम आपका है ना। और हाथी हाँ अशोक स्तंभ में चार जानवर को दिखाया, एक लायन, एक बकरा, एक हाथी, चार चार जानवर को दिखाया। अशोक पिलर में हाथी को दिखाया, ध्यान से देखो, अशोक पिलर में आगे आगे घोड़ा दौड़ता है और पीछे पीछे बैल दौड़ता है। किसी के पास 100 का 1000 का नोट हो तो देख लो खोल के, अभी देख लो। अरे लाके तुम बाद में दिखाना, पहले अभी देख लो। देखो ना, अरे देखो पहले। हाँ ये बात हो सकती है कि जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब तक उनको बैल का जो रूप दिया गया है वो बैल के रूप में दिखाया हो, बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हाथी के रूप में हैं, हाथी रूपी महारथी। तो कोई ने दिखा दिया हो बात दूसरी है, आपने देख लिया हो, अब किसी के पास नोट ही नहीं मिल रहा है। इसमें है, है? अभी तो गांधी जी का चित्र देने लगे, उसको सूक्ष्म बतन में दिखाई दिया है तीन शेरों को, इसमें भी गांधी जी है। दोनों तरफ गांधी गांधी। अभी ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाते हैं हर जगह। हाँ कोने में उसमें देखने में नहीं आता है वो हाथी है कि बैल है। हाँ जी चलो देख लेना, बाद में देख लेना ध्यान से। है शंकर जी के हाथ में लाठी,
लाठी नहीं होती है, वो हाथ को टिकाने का साधन होता है, हैं? हाँ, त्रिशूल लेते हैं हाथ में, और ये जो बायां हाथ है ना, उसे बायां हाथ को टिकाते हैं, हाँ, आधार लेते हैं, वो आधार है लकड़ी, वो लकड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई लक्कड़ बुद्धि आत्मा की यादगार है, जो भगवान को अपना बनाने के बावजूद भी पहचान नहीं पाती, भूल जाती है। मेरे नजदीक रहने वाले, साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को पहचान नहीं पाते। और कमंडल है बुद्ध रूपी हाथ में, कमंडल जिसमें ज्ञान जल भरा रहता है। सिर पे है गंगा, कोई ऐसी कन्या है जिसने ज्ञान जल को सतो प्रधान स्टेज में धारण किया है, जब एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई। तो उस आत्मा ने जितना एडवांस ज्ञान धारण किया, उतना और कोई कन्या ने धारण नहीं किया। वो गंगा अंत में निकलती है सेवा की फील्ड में। तो सब कन्याओं के मुकाबले जास्ती सेवा करती है। इसकी बड़े बड़े शंकराचार्यों, सन्यासियों, पंडितों, विद्वानों, आचार्यों की, क्योंकि गंगा के किनारे ही सन्यासी चौकड़ी मार के बैठते हैं, गंगा को ही अपनी माता मानते हैं। तो वो कन्या ही निमित्त बनती है ईश्वरीय सेवा करने के लिए। इसलिए ज्यादा सेवा करने का निमित्त बनने से उस आत्मा को सर पर धारण किया हुआ है, शेर की चमड़ी का वस्त्र दिखाते हैं। क्या बाघंबर? शेर दो प्रकार का होता है, एक होता है बब्बर शेर, चालाक नहीं होता है, बहुत चुस्त नहीं होता है, लेकिन बहुत हाँ, और जो उसके मुकाबले चीता होता है, टाइगर, जो भारत का नेशनल जानवर माना जाता है, वो है चुस्त और चालाक शेर। देखने में उसका शरीर बल छोटा हो, सिर भी छोटा है, उस पर कोई अचानक आक्रमण होता है तो अपने को छुपा लेगा, बचा लेगा, सहसा आक्रमण नहीं करेगा। जब देखेगा कि हमारी पारी मजबूत है, फेल होने की कोई संभावना नहीं है, तब ही आक्रमण कर देगा। तो उसकी खाल जो है वो शंकर जी को दिखाई गई है, अर्थात उनका शरीर रूपी वस्त्र है, कैसा पार्ट बजाने वाला है, हैं? टाइगर का पार्ट बजाने वाला है, इसलिए उनको टाइगर की चमड़ी दिखाते हैं। हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, जो तीन शूल हैं, वो तीन मूर्तियों के द्वारा दिए गए ज्ञान की यादगार है।
तीन ज्ञान के बाण हैं। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो एक बाण, शंकर के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है वो दूसरा बाण, दूसरा शूल, और उन दोनों शूलों के मुकाबले तीसरा जो सबसे ऊंचा दिखाया जाता है वो है प्रैक्टिकल कर्मणा का ज्ञान, जो लोगों को हृदय में बहुत असर करता है। माता की बात को भी लोग नहीं मानते हैं, बहुत से बोल बोल करने वाले हुए, बहुत से सुनने वाले हुए, भाषण करने वाले बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य सन्यासी हुए, धर्म पिताएं हुए, दुनिया ने उनकी बात को फॉलो नहीं किया और दुनिया नीचे गिरती गई। ऐसे ही बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुए जिन्होंने कारण कार्य का विश्लेषण करके, अच्छाई बुराई का विश्लेषण करके, बौद्धिक आधार पर साइंस दान बन करके एक एक बात, एक एक पदार्थ के हिज्जे हिज्जे करके बात को समझा और समझाया, उनके ऊपर भी लोगों को इतना विश्वास नहीं हो रहा है। यह है दूसरा बाण। कोई कितना भी समझू हो, कितना भी सयाना हो, कितना भी समझाने लायक हो और दूसरों को कन्विंस करने वाला हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लोग उसकी बात को मान लें। लेकिन जिसके जीवन में प्रैक्टिकल धारणा होती है, ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ होता है, उसको फॉलो करने के लिए दुनिया बाध्य हो जाती है। उसको कहते हैं विष्णु का प्रैक्टिकल जीवन का तीसरा बाण, तीसरा शूल। वो सारी दुनिया को प्रभावित करता है, कोई फॉलो कर सके या न कर सके वो दूसरी बात है। तो शंकर की बुद्धि रूपी हाथ में ये तीनों प्रकार का ज्ञान है। ये भक्ति मार्ग में उनके चित्र में श्रृंगार दिखाया गया है। अभी अभी जो लक्ष्मण के बारे में बताया है, उसी को ब्रह्मा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं क्या? है? अभी अभी जो लक्ष्मण है लकड़ी का, लकड़ी जो शंकर के हाथ के नीचे बना के, वो लक्ष्मण बोलते भी बताया ना, तो उसको ब्रह्मा के नाम के साथ में जोड़ सकते क्या? ब्रह्मा जो है वो प्रैक्टिकल जीवन में अभी जीवनधारी है, जीवन है, अपना शरीर ही नहीं है उसका, प्रैक्टिकल पार्ट धारी ही नहीं है। तो वो लकड़ी के रूप में वो आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है, जिसे रामायण में नाव के रूप में दिखाया गया है, केवट की नाव, हम नदी पार करने के लिए तुमको नाव पे नहीं चढ़ने देंगे, पहले अपने पांव धोने दो, ये बुद्ध रूपी पांव तुम्हारे गंदे हैं, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी। क्या ऐसे दिखाते हैं ना? तो वो नाव काठ की होती है, भक्ति मार्ग में तो काठ की नाव दिखाई है, लेकिन काठ की बात है या कठ बुद्धि की बात है? कठ बुद्धि की बात है। बाबा,
है। आत्मा शरीर में नहीं रहे तो, आत्मा शरीर में नहीं रहे तो मन बुद्धि चलती रहती है। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि को ही सोचने वाला काम मिलता है, फैसला करने का काम मिलता है। शरीर के बिना बुद्धि काम करती है? कौन सा भूत प्रवेश क्या हो गया तुमको? हाँ? सर्च लाइट जो है वो वाइब्रेशन का काम है। किसी आत्मा को याद करना, उसके चेहरे को याद करना, एक स्पेशल पर्सनालिटी हो जाती है उस आत्मा की, और इसको बाबा की याद में बैठ करके जैसे टॉर्च की रोशनी फेंकी जाती है, ऐसे उसके ऊपर लाइट फेंकना, शक्ति देना, उसको कहते हैं सर्च लाइट। और डिवाइन इनसाइट वो तो ज्ञान की बात है अथवा साक्षात्कार की बात है। इंसुलेटिंग पार्टी जो आत्माएं जिस धर्म से कनेक्टेड हैं, वो उसी धर्म की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है और प्रवेश करके उनको सहयोग देती है ज्ञान समझने के बाद। जब तक ज्ञान नहीं समझा है तब तक अपोजिशन करेंगी। ज्ञान जितना जितना समझती जावेंगी उतना उतना वो सहयोगी बनती जावेंगी। ओम शांति।